हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. लॉकडाउन, सोशल डिस्टिंक्शन, ऐसी चीज़ें हम, ये कोई नई नहीं है. दिसंबर के बाद से ये धीरे 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 कानों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती चली गई, जनरल होती चली गई. अब धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अभी भी सीरियस होने के लिए तैयार नहीं है. आज मेरे ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं कुछ देर पहले अभी सनसनी न्यूज़ देख रहा था. वैसे तो सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह में मैं पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी सनसनी न्यूज़ में, वो सनसनी न्यूज़ जिसमें वो कहता है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, गौर से देखिए इस बंदे को, काफ़ी अच्छी न्यूज़ वो प्रोसीड करता है. तो उसमें बेसिकली केस निकल कर आया सामने, समीर नाम का एक लड़का, ठीक है. वो वीडियोस में कुछ ज़्यादा, एक आजकल का थोड़ा सा जनरेशन का ये फ़र्क भी पड़ जाता है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो ये एडल्ट्स हैं अभी के या यंगस्टर्स हैं, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक, ऑब्वियसली वो होते हैं एनर्जेटिक, एज का फ़र्क पड़ता है, नया नया आपका एडल्टहुड होता है, तो उसमें वो भूल जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देयर फैमिली, टूवर्ड्स देयर ओन सेल्फ एंड द सोसाइटी एंड द नेशन. वो भूल जाते हैं अपने समाज के बारे में. अब वो इस चीज़ को, जिसको वो एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ठस्सा, ठस्से में लेते चले जाते हैं. अभी क्या रहा कि वो न्यूज़ जो उसकी आज काफ़ी ज़्यादा इंडायरेक्टली उसको वैसे फेमस कर रही है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. लेकिन उस न्यूज़ से मुझे ये दुख इस बात का हुआ कि अब कुछ लोग इसको रिलीजियसली लेके चले जाए, कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान वाले इशूज़ में फंसा दें, कुछ लोग इस चीज़ को बस वो अपने मेंटल स्टेटस पर ही फंसा कर रहकर मतलब रह जाएंगे. वो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है. उनको बस इतना पता है कि अच्छा वो लड़का वो मुसलमान था, हाँ उनके लिए तो ये हुआ वगैरह वगैरह. तो ऐसी सोच के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ. बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो बीमारी है ना, कोई जाति कोई धर्म नहीं देखती. वो नहीं देखती कि आपके पीछे चोटी लगी हुई है, आपकी लंबी सी दाढ़ी है, आप टोपी लगाते हैं या आपने जनेऊ धारण कर रखा है, वो ये नहीं देखती. ये बीमारी है जो सबको अफेक्ट कर रही है. इराक नहीं बचा, ईरान नहीं बचा, अमेरिका नहीं बचा, इटली नहीं बचा, कोई भी हिंदू कंट्री हमारी, हम नहीं बचे, नेपाल नहीं बचा, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें लोग सफ़र ना करें. कुछ एक्सेप्शन हैं, दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और वो किंग जोंग जून नॉर्थ कोरिया वाला, दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी. लेकिन बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर, प्लीज़ अब जाकर तो सिंसियर हो जाए. ये लॉकडाउन किसके लिए, हमारे लिए है ना, जान रहेगी तब तो अब आगे जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो. अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, फॉर द गॉड सेक, गॉड सेक अगर कुछ हो जाए उसको, फिर वो वीडियोस जो उसने एक्शन में, जो उसने टेंशन में बना रखे, क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी, नथिंग, कुछ भी नहीं. इस बात को समझने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच.